हेलो गाइस, दिस इज मी दुष्यंत द्विवेदी एंड यू आर ऑन दुष्यंत रॉक्स चैनल। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी मूवी का ट्रेलर रिएक्शन वीडियो जो कुछ ही मिनटों पहले यूट्यूब पे रिलीज हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मूवी कलंक के ट्रेलर का। गाइस, मूवी कलंक की स्टार कास्ट इतनी बड़ी है, इतनी ग्रैंड है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके मेकर्स को सैल्यूट करना चाहूंगा कि वो इतनी बड़ी स्टार कास्ट को एक फिल्म में लाने में कामयाब हो पाए। गाइस, इसके स्टार कास्ट में हैं संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर एंड सोनाक्षी सिन्हा। गाइस, ये एक मूवी है जिसके सेट्स हमने सुना है काफी भव्य है, जैसे कि हम संजय लीला भंसाली की मूवीज में देखते आए। प्रीतम ने इसमें म्यूजिक दिया है और विक्की कौशल के फादर श्याम कौशल वो इसके एक्शन डायरेक्टर है। तो गाइज, लेट्स सी द ट्रेलर ऑफ मूवी कलंक। सेट्स जैसे मैंने बताया, आदित्य रॉय कुछ रिश्ते कर्जों की तरह होते हैं। वरुण की आवाज, उन्हें निभाना नहीं चुकाना। ओ डायलॉग, माधुरी दीक्षित, सोनाक्षी सिन्हा, जब किसी और की बर्बादी अपनी जीत जैसी लगी तो हमसे ज्यादा बर्बाद और कोई नहीं है। सो दिस वॉज द ट्रेलर ऑफ मूवी कलंक, और इसको शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है क्योंकि एक तो इसकी स्टार कास्ट जिसको मैं समझ रहा था कि स्टार कास्ट इसकी यूएसबी होगी, लेकिन नहीं गाइज, इसकी जो इसके सेट है, जो इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक है, आपने सुना जो आखिरी में जो वरुण धवन आ रहे हैं और हमें एक रावण को जलता हुआ दिख रहे हैं, वहां से बाण भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और पीछे से म्यूजिक चल रहा है कलंक नहीं ये प्यार है। ये एक ऐसी फीलिंग थी जो मैं आपको बता नहीं सकता कि बिल्कुल, मतलब बहुत हम ऐसी चीजें हम मोस्टली संजय लीला भंसाली की मूवीज में देखते हैं, लेकिन ये अभिषेक वर्मन द्वारा इसको डायरेक्टेड किया गया है। तो मुझे ट्रेलर तो बहुत शानदार लगा और मुझे सबसे अच्छा इसमें काम जिसका दिख रहा है वो है इसके डायरेक्टर का। जैसे ट्रेलर में इन्होंने फर्स्ट माधुरी दीक्षित को इंट्रोड्यूस किया है, सोनाक्षी सिन्हा को इंट्रोड्यूस किया है, आलिया भट्ट को इंट्रोड्यूस किया है, देन वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर एंड संजय दत्त। तो ये भी बताता है कि इस मूवीज में सबको इक्वल स्पेस दिया गया है गाइज। और सबसे बेस्ट चीज इसकी जो लगी मुझे वो थे डायलॉग, जो फर्स्ट डायलॉग था जो वरुण धवन कहते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें निभाना नहीं झुकाना पड़ता है, एंड द लास्ट वन जो आलिया भट्ट देती। अब ये आप ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि इतने बड़े बड़े स्टार का इसमें नाम है, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सोनाक्षी सिन्हा, लेकिन ट्रेलर में केवल दो डायलॉग दिखाए गए और दोनों ही वरुण धवन एंड आलिया भट्ट के जो द्वारा बोले गए हैं। जो लास्ट सीन है जहां पर ट्रेलर में आखिरी में आता है कि मूवी कब रिलीज होगी,
और उसके बारे में उससे पहले जो चीज दिखाई गई थी कि आलिया भट्ट एंड आलिया भट्ट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड वरुण धवन इज कमिंग फ्रॉम द राइट एंड बैकग्राउंड म्यूजिक चला के कलंक नहीं ये प्यार है. सो मुझे इसके इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि गाइज इस फिल्म के बाद वरुण धवन एंड आलिया भट्ट की जो पॉपुलैरिटी है वो काफी हद बढ़ने वाली है, क्योंकि ये ऐसी मूवी है कि जो इनको अलग साबित करती है आज के कलाकारों को से. जैसे जो शुरुआत में वरुण धवन जिस फील्ड में जा रहे हैं तो वो सीन मुझे थोड़ा याद दिलाता है मोहन जोदारो का, जहां पर ऋतिक रोशन उस फील्ड में एंट्री कर रहे हैं और जो वो एक बुल वाला सीन है जिसपे वो बैठे हुए वरुण धवन, वो याद दिलाता है हमें बाहुबली द बिगनिंग का, जिसमें भल्लाल देव जो है वो उसको बुल को जो होते हैं वो मार रहे होते हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो कुछ कुछ वैसा ही सीन इसमें है. लेकिन ओवरऑल अगर मैं ट्रेलर की बात करूं गाइस, सो मुझे ये ट्रेलर बहुत पसंद आया है. जितने भी मूवीज के ट्रेलर रिएक्शन मैंने अब तक किए हैं उसमें मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया ये ट्रेलर. गाइज आपको मेरा ये ट्रेलर रिएक्शन वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें. थैंक्स अ लॉट.